पता होगा आपको कि आदमी कोई ना कोई बड़ा भारी मर्डर रहा होगा, या इसने अपने बाप को सताया होगा, माँ को सताया होगा, उसने कुछ अधर्मी काम किया होगा। आपको पता नहीं चलता कि क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये पेट में धर्म होता है, इसको सोचना नहीं जाता कि ये धर्म है कि अधर्म है, ये करे नहीं करे, पेट के अंदर बैठा रहता। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो ये अंतर आ जाता है। जैसे जानवर में हमें आप में एक अंतर है, आप किसी घोड़े को या किसी बैल को या किसी गधे को गंदगी से अंदर से गुजार के ले जाइए, आपके नाक में असर नहीं आता। जैसे गोरे गांव से आप अगर जाइए तो आपको किसी परेशानी हो जाएगी, आप चल नहीं सकते वहां उस गंदगी में, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो आप वो इंसान हो जाते हैं कि आप किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो गंदगी जो है छूटती है, अपने आप ही गंदा सा लगता है। इस तरह का अपने प्रति व्यवहार करना या दूसरों के प्रति व्यवहार करना एकदम गंदा सा लगता है। इसलिए मनुष्य को अति मानव होना, या कहना चाहिए महामानव होना, जैसे वो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करें। पार होने के बाद ही जो कुछ करना है किया जाता है, उससे पहले उसकी भी हम सब प्रक्रिया आपको बता देंगे, किस तरह से अपनी सफाई करनी है, किस तरह से अपने को ठीक करना है, सब हम बता देंगे आप। हाँ हाँ अच्छा ठीक सवाल। क्या होता है कि जब आपके अंदर में आलोक आ जाता है, जब आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार अपने आप से चला ही जाता है। तब आप कहीं उससे पूछेंगे कि माँ जब ये लाइट लगा दी तो क्या पूरा अंधकार चला जाता है? हाँ हाँ पूरा ही चला जाता है। लेकिन जब लाइट धीमी धीमी हो और उसके ऊपर की कंदील जो है वो बहुत गंदी रखी हुई हो तो उसको सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से साफ है और उसके अंदर प्रकाश की जोत पूरी तरह से विराजमान है तो चली ही जाती है, बड़ा ही कठिन है। अगर आप मुझसे कहें कि ये सब करें तो मेरे यहाँ पे एक छेद है, वो सब निकल ही जाता, मेरे समझ भी नहीं आता है किसी चीज़ की इच्छा कैसे करूँ, मेरे कोई इच्छा ही नहीं बनती, इच्छा बनती तो यहाँ से फट से निकल जाती है, एक छेद यहाँ कर देती हूँ ना, उसी से सब निकल जाता, कोई मुश्किल बात नहीं है। और होना ही चाहिए, जब प्रकाश है तो प्रकाश में अंधेरा जाना ही चाहिए। और ये भी चीजें जो आप करते हैं उसमें से तीन चीजें तो आपने अहंकार की वजह से करते हैं और तीन चीजें आप प्रति अहंकार की वजह से करते हैं। यहाँ पर जो दो दिखाए गए हैं ऊपर में, अहंकार और प्रति अहंकार, ये दोनों ही पूरी तरह से उतर आते हैं। जब वही खत्म हो गए, जो करने वाले करता ही खत्म हो गए तो कौन करेगा? देखे प्रचंड चीज है ये, नया डायमेंशन है, पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, अपना साक्षी स्वरूपत्व बिठाना पड़ता है। जैसे कि एक बात से हम समझा कि अगर पानी में लहरें उठ रही और लहरों से नाव चल रही, लेकिन आप अगर पानी में हैं तो आप लहरों से डर भी रहे हैं और उसको लड़ भी रहे हैं, लेकिन आप नाव में बैठ गए तो दोनों चीज आप देख रहे हैं। लेकिन जब तक नाव में बैठते तब तक जरा डगमग डगमग होता है। अब कहेंगे कब स्थिर होता है? जब आप स्थिर हो गए तब स्थिर हो गए, जब आपको स्थिरता आ गई तब स्थिर हो गए। सहज योग में कुछ लोग, बहुत से लोग पार हुए से हो गए, बहुत से लोग होते हैं फिर गिर जाते, और बहुत से लोग काफी फिर से जैसे थे हो जाते हैं, लेकिन तो भी उनकी जागृति जाती नहीं, फिर से आ जाते, फिर मैं साल भर बाद आते फिर ठीक हो जाते। कोई तो इसमें तूफान मेल है और कोई मालगाड़ी भी है। अब ये तो आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ कहो बेटा। अच्छा एक एक आदमी, अच्छा वो पहले खड़े हो, उससे बात फिर आप। हाँ बोलो। हाँ नहीं, एक क्षण में होता है, एक क्षण में घटना तो एक क्षण में घटित होती है, लेकिन तैयारी उसका समय लग जाता है। कि कभी कभी कोई बहुत ही गड़बड़ आदमी आते हैं, अभी किसी को भूत नहीं पकड़ लिया हो, या कुछ गुरुओं के पास से आते हो तो और भी मुश्किल होती है भैया मेरे लिए, जो होते हैं सोते मैं क्या बताऊं। कोई गुरुओं के सामने जिन्होंने अपना माथा टिकाया हो मुझे मुश्किल होते, लेकिन अब मैं जब देहातों में जाती हूँ तो खटाखट हजारों आदमी पार हो जाते हैं, क्योंकि देहात के लोग सीधे साधे हैं, जमीन के साथ रहते हैं। अब आप लोग तो बड़े आदमी हो गए, कॉम्प्लिकेटेड
तो जरा उसके कॉम्प्लिकेशन निकालने पड़ते हैं मेरे को। इसका कोई समय का ठिकाना तुम ही बताओ। हाँ, तुमने पते की बात कही, तुम्हें लगी है भूख, तुमको ही दूंगी मैं अभी, एक मिनट ठहर जाओ, बाकी सब तो अभी दिमाग चला रहे हैं, बैठ जाओ, राजा बेटे हो तुम। हाँ बोलो बेटा। हाँ तुम पार हो क्या? नहीं हुआ ना, हुआ है कि नहीं होता है ना? हाँ अनुभव नहीं होता माने क्या नहीं होता है तुमको ये बताओ। हाँ वो तो बहुतों को होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बैठ जाए, मैं बता दूं, जब आप पार होते हैं बहुतों को महसूस भी नहीं होगा कि आप पार होगा। हाथ से लहरियां बह रही हैं कि नहीं, ये पॉइंट, आपसे चैतन्य लहरियां हाथ से बह रही हैं कि नहीं। कुंडलिनी का अनुभव होना माने कि कुछ दोष है आपके, कुंडलिनी का चढ़ने का अगर आपके अंदर अनुभव हो इसका मतलब सुषुम्ना में कोई दोष है, अटक आ गई, समझे ना। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नहीं हुआ तो आप अति उत्तम है। जैसे कि कहते हैं कि एरोप्लेन जितना बढ़िया हो और उसकी दौड़ान जितनी बढ़िया हो उतना पता ही नहीं चलता है कि कब वो टेक ऑफ कर लेता। ऐसी चीज जब कुंडलिनी में कोई भी न महसूस हो चीज और सिर्फ चैतन्य लहरियां बहते रहे इससे अत्यंत, और कौन सी ऐसी चीज हो सकती बेटे? कोई दोष ही नहीं है तुम्हारे अंदर, बेकारी में दोष है तुम्हारे अंदर से चैतन्य लहरियां आती है या नहीं आती? क्या अनुभूति होनी चाहिए? क्या होती है कुंडलिनी की अनुभूति? हाथ में से चक वो आते हैं कि नहीं तुम्हारे, बहते हैं कि नहीं? बस ठीक है, और क्या चाहिए? अब क्या इनको यहाँ बीमारी होनी चाहिए? अनुभव बेटा यही होता है। इससे अनुभव का मतलब है कि तुम दूसरों को रियलाइजेशन दे सकते हो, दूसरों को जागरूक कर सकते हो, निर्विचारिता में जा सकते हो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, तुम्हारा मन ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। अब अनुभव का मतलब किताब में लिखा हुआ है कि आप मेंढक के जैसे कूदिए, उसे मैं क्या करूं? हमेशा होता है बेटे, अगर तुम उसको मेंटेन करो, तुमने किया नहीं है उससे मेहनत, अगर करो तो बराबर जम जाता है। ऐसे तो यहाँ तुम एक हो, यहाँ अनेक है जिनसे हो गया, तो तुम्हें कोई दोष होगा? आकर के हम तो पूछना चाहिए पर्सनली, अगर पार हो गए तो पूछना चाहिए कि माँ ये बात है, हम बता देंगे, कोई ना कोई दोष हो सकता है। हाँ कहिए। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।